प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल साहित्यिक जानकारी ते। अज दी इस वीडियो विच आपां दंत कथा पूरन भगत दे छोटे प्रश्न उत्तर करांगे। पहला प्रश्न देखो साडा, किस प्रकार दी कथा विच इतिहास ते गल्प दा सुमेल हुंदा है? तां दंत कथा विच हुंदा है इन्हां दोनों चीज़ां दा सुमेल, तां ए ऑप्शन है जिहड़ा ओह साडा सही होवेगा। गोपीनाथ, भरथरीहरी, गोरखनाथ, पूरननाथ, जोगी किस मत के प्रभाव हेठ प्रचलित दंत कथावां हन? तो यह जोग मत दे, क्योंकि सारे जोगी सीगे, इस करके जोग मत दे हेठ प्रचलित है यह जिहड़ियां दंत कथावां। वीर भावना नूं उजागर कर एक दंत कथा का नाम लिखो, जिवें राजा रसालू जां दुल्ला भट्टी। ठीक है, ये दोनों की सीगे, वीर सीगे ना ये, इस करके इन्हां दे विचों तुसीं कोई भी एक लिख सकते हो। पंजाब दी किसी हरमन प्यारी दंत कथा का नाम लिखो, तो वह हैगी है पूरन भगत, जिदे बारे सारे जानते हैं। इतिहास ते गल्प दा सुंदर सुमेल केड़ी लोक कथा विच हुंदा? पहला प्रश्न भी अपना यही आ चुकया, तो दंत कथा दे विच पंजाबी विच जोगियां नाल संबंधित किसी दंत कथा का नाम लिखो, तो जोगी कौन सीगा? देखो पूरन भगत। दंत कथा केड़ी है इन्हां दे विचों? लालसा दी चक्की, नल दमयंती, प्रहलाद भगत, पूरन भगत, राजा रसालू के दुल्ला भट्टी। ठीक है, तो ये तिने होणगा, देखो पूरन भगत, राजा रसालू तो दुल्ला भट्टी, डी ऑप्शन है जिहड़ा ये साडा सही होवेगा। पूरन भगत, राजा रसालू, दुल्ला भट्टी किस प्रकार की रचना है? तो यह हैगी है दंत कथा, ऑप्शन ए है जिहड़ा ये सही होवेगा। पूरन भगत के पिता का नाम की सी? तो राजा सलवान, कहानी दे विच सब तो पहला आउंदा वी राजा सलवान का पुत्र सी। ओह सलवान कितों का राजा सी? तो सियालकोट का। तो सलवान दियाँ किन्नियाँ राणियाँ सन? दो राणियाँ सी, देखो इच्छरा ते लूणा। सलवान दियाँ दोहां राणियाँ दे नाम लिखो। अगला प्रश्न आ गया साढ़े कोल, इच्छरा ते लूणा दोनों राणियाँ सी उस दियाँ। पूरन भगत की माँ का नाम की सी? तो पूरन भगत की माँ का नाम सीगा इच्छरा। तो पूरन भगत की मतरेई माँ का नाम की सी? तो लूणा, जिहड़ी कि राजे की दूजी पत्नी सी। पूरन नूं किन्ने सालां लई भोरे विच पाया गया? तो 12 सालां लई। ते लूण की देख के दंग रह गई? तो पूरन की सुंदरता, जदों 12 सालां दे बाद पूरन देखो भोरे चों बाहर आया, तो लूणा उसकी सुंदरता देख के दंग रह गई सी। लूणा पूरन नूं किस रूप विच देखण लगी? तो वह अपने प्रेमी के रूप विच। पूरन द्वारा लूणा की इच्छा ठुकराउण मगरों वह पूरन विरुद्ध किस भावना नाल भर गई? तो बदले खोरी की भावना नाल, क्योंकि वह बदला लेना चाहती सी। ठीक है, जिहड़ी भावना दे नाल उसने देखिया सी पूरन नहीं सी मन्निया। तो राणी द्वारा पूरन विरुद्ध लाई तोमत नूं सुण के राजे ने जलादां नूं पूरन नूं मार के कित्थे सुट्टण दा हुक्म दिता? तो खूह विच। जलादां ने पूरन नूं खूह विच किस तरह सुट्टिया? तो उन्होंने हाथ पैर कट के सुट्टता सीगा। ठीक है, जिउंदा मारिया नहीं सी, क्योंकि राजे ने तो उसनों मारन का हुक्म दिता सी ना, पर जलादा ने सिर्फ हाथ पैर कट दिते सी उसके। पूरन भगत नूं मुड़ के किसने 9 बार 9 किया? 9 बार 9 का मतलब हुंदा देखो बिल्कुल ठीक ठाक किया। तो जोगी गोरखनाथ ने, जोगी गोरखनाथ ने पूरन नूं खूह विच्चों किस तरह कढ़िया? तो कच्चे धागे नाल। ठीक है, उसने कच्चा धागा लमकाता सी खूह दे विच, तो पूरन जिन्ने जदों हाथ पाया तो कहिंदे उह संगल बन गया सीगा, तां करके उह बाहर आ गया सी पूरन। जोगी की देख के जय जयकार करन लगे? तो पूरन दा सत ते तेज। ठीक है, उहदे वल देख के भी उहदे विच सत ते तेज किन्ना सीगा, ये देख के वह जय जयकार करन लगे। पूरन नूं केड़ी राणी गोरखनाथ कोलों लै गई? तो राणी सुंदरा। सुंदरा ने पूरन की झोली विच की पाया सी? तो मोतियां दा थाल। पूरन भगत दे ठहरन नाल राजे दे सुक्के बाग नूं की होया सी? जदों देखो राजे सलवान दे बाग दे विच आ के बैठ गया सी, तो उहदा बाग जिहड़ा सुक्का पिया सी उहनूं की हो गया सी? तो उह हरा हो गया सी। पूरन दे विछोड़े विच राणी इच्छरां दी रो रो के की हालत होई सी? तो उह अन्नी हो गई सी, माँ सी देखो उह पूरन भगत दी, तां करके उह उस तों बाद च रोंदी रही ते रो रो के उह अन्नी हो गई सी। ते पूरन भगत दे आशीर्वाद नाल राजे ते लूणा दे घर किस दा जन्म होया? तो राजे रसालू का। देखो किन्नी देर फिर उस तो बाद लूणा के घर पुत्र नहीं सी होया, तो फिर पूरन दे मतलब आशीर्वाद के नाल उन्होंने घर राजे रसालू ने जन्म लिया सी। तो ये सन साडे पूरन भगत कहानी के छोटे प्रश्न उत्तर। तो वीडियो नूं ध्यान नाल वेखो ते प्रश्न उत्तर याद करो। तो जे मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन दबाओ, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे कोल सब तो पहला पहुँच सके।